कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या इस बार आपको एज में छूट मिलेगा, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, नए शिक्षकों की बहाली कौन कौन से सब्जेक्ट की हो सकेगी। तो आइए समझते हैं जितनी बहाली की प्रक्रिया हुई है। उस बहाली की प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा, और चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी देखा होगा, कुछ चोर चोटे लोग हैं यहाँ पर जो कि इस बहाली की प्रक्रिया में फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पहुंचे हुए थे। वो अपने जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन केयर 6 में। हर वो समस्या का समाधान हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। छात्र परेशान है, और छात्र परेशान इसलिए हो रहे कि 1 लाख से बहाली घटाकर यहाँ पर 70,000 कर दी गई है। तो देखिए घबराइए नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली सच में अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हो रही है। दूसरी चीज कि ये बहाली की प्रक्रिया कहीं गई नहीं है। अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुआ है, और इस कैबिनेट मीटिंग में जितने पद अभी दिए गए हैं उनका ही अपडेट देकर यहाँ पर 70,000 लगभग 69,692 सीट के बारे में बताया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां से रिक्तियां आनी बाकी हैं, तो ये बहाली की प्रक्रिया अभी और बढ़ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज 1,75,000 की जो बहाली की प्रक्रिया प्रीवियस चल रही है उसमें भी यहां पर बोला गया है कि लगभग हम कोशिश करेंगे कि 75% जो है सीट यहां पर रिजर्व करके यहां पे जो भी आपकी बहाली को कंप्लीट कराएंगे। मतलब कि 1,75,000 में से 75% सीटों को हम यहां पे भरेंगे, फिर भी आपके पास वहां से 25% सीट बचेगा, तो वो सीट भी आपका इंक्लूड होगा इन बहाली की प्रक्रियाओं में। क्योंकि प्रीवियस यानी कि जो पहली बहाली की प्रक्रिया हुई है, उस बहाली की प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा, और चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी देखा होगा, कुछ चोर चोटे लोग हैं यहाँ पर जो कि इस बहाली की प्रक्रिया में फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पहुंचे हुए थे। वो अपने नौकरी जो है ना अपने दम पे तो ले नहीं सकते, तो पैसा रखा हुआ आपके बाप दादा का, तो उठाए वहां से फर्जी डिग्री बना के पहुंच गया अपना सर्टिफिकेट लेकर। तो उन चोर चोटों का भी यहाँ पे इलाज हो रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है वैसे लोगों का। तो खैर मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएं, वैसे ही लोग नाराज होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया है, जो भी अगर रिक्त बचती है ना, तो वो बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे ऐड की जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, चाहे आप बिहार के हैं या अन्य राज्य के हैं, बिहार में आपको हर जगह के छात्रों को मौका मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, हर एक राज्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए उड़ीसा ने अभी 20,000 वैकेंसी निकाला, बिहार के छात्र वहां पे जो है गए आवेदन करने, तो उनको पता चलता है कि वहां पे ओटीटी लेना जरूरी है, क्योंकि 6 to 8 में वहां पे ओटेट का क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो ठीक है, आपने पहले से अगर इसके बारे में बताया होता कि ओटीटी हो रहा है, बिहार के छात्र भी आके इसका एग्जाम दीजिए, तो बात होती ना। तो वहां पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज डाला गया कि आपको एटलीस्ट ये लैंग्वेज आना चाहिए, जाके नोटिफिकेशन पढ़िएगा। हमने तो बहुत सारी चीजें वहां पे देखी है, तो देखा है उस चीज को। अब झारखंड की बात करें, झारखंड में भी यहां पर जो है जेटीटी, और कब हुआ था, तो 5 साल पहले हुआ था, और बहाली निकाली यहाँ पर 26,000 से ऊपर भी, उसमें बोला जा रहा है कि जेटीटी क्लियर होना चाहिए। तो मौके नहीं मिल रहे हैं बिहार के छात्रों को कि वो अन्य राज्यों के एग्जाम भी जाकर टीईटी देख पाए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस परीक्षा को लेने से पहले एक बिहार टेट एग्जाम जरूर लीजिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि सीटेट का एग्जाम दिया तो है सर, 2 बार दिया है, आप उठाइए ना सर, 2019 उठाइए कि हर साल 2 बार एग्जाम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। अगर कंप्लीट हो भी रहे हैं 2 साल, तो वो 1.5 साल 2 साल कंप्लीट करके दिया जा रहा है आपको, तो सीटेट का एग्जाम भी यहाँ पे सिक्योर नहीं रहा है। अब जिनके पास सर्टिफिकेशन है सीटेट का पास का, वो तो छात्र थोड़ा नाराज होंगे कि मैं बीटेट के लिए आवाज उठा रहा हूँ यहाँ पे, बट देखिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं, आपके पास आपका रिजल्ट है, तो फिर घबराना किस बात का, आपके अंदर काबिलियत है तो घबराना किस बात है, किससे डर है आपका? बिहार टीईटी वाले छात्रों से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि वो छात्र जो है अपनी मांग कर रहे हैं वहां पे कि हमारा भी बहाली करवाया जाए। ऐसा तो नहीं कि वो ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं। और अन्य राज्य जब इसकी बहाली की प्रक्रिया ले रहा है, तो यहाँ भी तो, और ये मांग उन छात्रों की नहीं, ये तो आदेश है हाईकोर्ट पटना का, तो वो क्यों नहीं मांग करे इस बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर। अब ये सब बातें तो मैंने बहुत बार बताई है आप लोगों को, लेकिन अब यहाँ पर आते हैं इन टॉपिक्स पे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या इस बार आपको एज में छूट मिलेगा, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, नए शिक्षकों की बहाली कौन कौन से सब्जेक्ट की हो सकेगी। तो आइए समझते हैं चीजों को और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए, हो सकता है कि कोई भी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पर, तो हो सकता है कि कोई डेटा यहाँ पे शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उस चीज को आप लोग ध्यान में, मतलब मन में मत बिठाइएगा कि ये गलत बता रहे, चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए 1,75,000 की बहाली है यहाँ पे चल रही है, 75% सीट भरेगा, तो प्रीवियस वैकेंसी से 25% सीट भी इसमें ऐड कर दी जाएंगे। तो ये 70,000 इसको ना माने, इसको 1 लाख से अभी मान के चलिएगा, आप लोग का वैकेंसी रहेगा। जहां पे अभी जो आपका कैबिनेट मीटिंग हुआ है, इस कैबिनेट मीटिंग में आपको क्या दिया गया कि 32,000 वैकेंसी, लगभग 31,000 वैकेंसी 6 to 8 के लिए है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर हमारा, इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक तो हमारा बीएड होना चाहिए, ठीक, और अगर आपने डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, या बीएसटीसी कर रखा, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं
बशर्ते कि आपकी डिग्री जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए, या डिप्लोमा भी किया है तो ग्रेजुएशन स्तर पे होना चाहिए, या फिर आपने जो डिप्लोमा किया है और आपने बीटीसी या डीएलएड वगैरह किया है तो इनके आधार पर ही आपको जो है सीटेट पेपर टू देना होना चाहिए, सीटेट पेपर टू जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे 2017 में बीटेट दिए हुए हैं, है ना, तो वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन पेपर टू में जिनका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो, ठीक, लेकिन यहाँ पे छात्रों को मैं बता दूं कि ये डिग्री जो है इनकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पे मांगा जाएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे सीटेट और बीटेट पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अगर जो भी छात्र पूछ रहे थे कि इस चीज को लेकर कि हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और आ रहा था आप लोग का कि क्या सर हमारा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होगा क्या या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वैकेंसीज में देखा वहां पे कक्षा 9 से 12 तक की बहाली चल रही थी, तो 9 से 10 में अगर हम बात करें तो वहां पे जो है आपके सब्जेक्ट के टीचर आप बनते हैं, 11 से 12 की बात करें तो भी आप अपने सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं वहां पे, तो वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रही थी और खासकर जो हाई स्कूल है वहां पर हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फॉर्म भर के जो गलती कर दिए हैं उनको मौका नहीं मिल पाया, सुधारने को भी बीपीएससी मौका दिया लेकिन बिहार एसटीईटी जो है एग्जाम हुआ उसमें जो है मौके नहीं मिले उनको सुधारने को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो बहुत सारे छात्र इससे वंचित भी रह जाएंगे इस बहाली की प्रक्रिया से। तो यहां पर देखिएगा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो है चार तरह की वैकेंसी होती है, एक आपका मैथ का, दूसरा साइंस का, तीसरा सोशल स्टडी का और चौथा लैंग्वेज का, ये चार तरह की बहाली होती है। अगर देखिए आपने अपने सब्जेक्ट में आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है, मैथ से ऑनर्स किया है या मैथ आपका सब्जेक्ट रहा है, किसी अन्य राज्य में ऑनर्स पेपर तो होता नहीं है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है या बायोलॉजी से ऑनर्स किया है, बायोलॉजी में भी बॉटनी जूलॉजी वगैरह आता है तो इससे आपने अपना ऑनर्स किया है, या फिर मैथ में भी बहुत सारे लोग जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, मतलब जो भी इनके डिसिप्लिन से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी ग्रेजुएशन होते हैं तो वो छात्र उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले छात्र यहाँ पे साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो मैथ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई झंझट ही नहीं है। आप जैसे 19 में आता है यहाँ पे है झंझट, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए 11 12 में भी नहीं है, वहां पे झंझट नहीं है बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो है वहां पे बट झंझट नहीं, वहां पे एक चीज क्लियर कर दिया है बाकी अन्य विषयों में कि जो भी आवेदन करेंगे वो पीजी से, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो वहीं पे वो अलग हो जाता है, थोड़ा सा क्वालिफाई नेचर उसका अलग हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसएसटी की बात करें हम अगर तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वालिटी इकोनॉमी है ना या होम साइंस वगैरह जितने भी आपके आते हैं आपका है ना एसएसटी के तहत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वैसे तो होम साइंस अलग से एक पेपर हो जाता है आपका बट एसएसटी के तहत जितने भी आपके पेपर आते हैं है ना इकोनॉमी वगैरह हो गया क्वालिटी हो गया ज्योग्राफी हो गया हिस्ट्री हो गया तो ये लोग जो है किसके टीचर बनेंगे तो ये सोशल साइंस के टीचर बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है सोशल साइंस का टीचर आप बनेंगे ये क्वालिफिकेशन हो गया, ये आपका जो है सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, अगर आपका बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीटीसी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीएसटीसी है, अन्य राज्य में बहुत सारे जो है अलग अलग चीजों को लेकर जो है यहाँ पे आवेदन करवाए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आवेदन उसके लिए कर सकते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कि क्लास 9 टू 10 की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बीएड तो होना ही चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में एसटीईटी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये एसटीईटी जो है यहाँ पे सिर्फ बिहार के छात्र ही देते हैं, ये आप कहेंगे कि सर ये तो बिहार में होता है एग्जाम, ये थोड़ी ना होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के छात्र इसको आकर जो है आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने एसटीईटी 2023 दिया आप लोगों ने देखा होगा इसमें यूपी के एमपी के महाराष्ट्र के भी छात्र आए हुए थे, बंगाल के छात्र भी आवेदन किए थे, झारखंड के भी आवेदन किए थे, तो ये सभी राज्य के छात्र जो है इसका परीक्षा दिए हैं। अब जो पास करेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा और जो क्वालिफाई होगा वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, समझ गए, तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे। तो जब यहाँ पर एसटीईटी आप करा रहे हैं तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बीटेट आपको करवाना चाहिए जैसे कि अन्य राज्य करवा रहे हैं, मेरी ये मांग नहीं है, ये आप उन सभी तमाम लाखों अभ्यर्थियों की मांग है जो कि अपना इस बहाली से वंचित ना रह जाए, जो नया बहाली 6-8 का आ रहा है लगभग 32,000 का बहाली, ये इससे वंचित ना हो जाए, इस चीज के लिए मांग है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे दोस्तों की इस बहाली की प्रक्रिया में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत समस्याएं होती है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे छात्र जो है एसटीईटी का ही फॉर्म भरने में गलती किए, एसटीईटी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा रहा है, क्योंकि अदर स्टेट वाले छात्र इसमें उनको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है क्लियर था कि वो फिजिक्स पढ़े हैं तो उनका मैथ सब्जेक्ट से टीचर बनेंगे, केमिस्ट्री पढ़े हैं तो भी मैथ सब्जेक्ट से टीचर बनेंगे, अगर उन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है तो वो साइंस के टीचर बनेंगे, साइंस में बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री पढ़ा है तो साइंस के टीचर बनेंगे, बायोलॉजी में उन्होंने जो है बॉटनी या जूलॉजी के साथ अपना ग्रेजुएशन किया है तो अपना वो साइंस का टीचर बनेंगे, लेकिन मैथ के टीचर में यहाँ पे फिजिक्स
ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और मैथ ऑनर्स, अगर इन तीनों में से किसी में आपका ऑनर्स है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बिहार के 9 to 10 के क्लास के टीचर मैथ के बन पाएंगे, गणित के। ठीक, यहाँ पे चीजें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेकर यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो कि एसएसटी में भी परेशान हुए हैं ना, सोशल स्टडी में भी, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है अपना कोर्स किए हुए। अब जैसे कुछ छात्र आ जाते हैं जैसे कि टेक्निकल डिग्री होता है ना, फैशन डिजाइनिंग वगैरह का कुछ कुछ टेक्निकल डिग्री होता है वो कर, अब उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल नहीं पाता तो भाई वो कैसे आवेदन, वो नहीं आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका कोर्स ही नहीं है यहाँ पे, सिलेबस ही नहीं है पढ़ाया जाता बिहार में, तो उनको मतलब नहीं यहाँ पे आवेदन करने का। हाँ, लेकिन बी बीटेक वाले करते हैं यहाँ पे आवेदन, तो बी बीटेक जितने भी हैं यहाँ पर 9 to 10th में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन तो ये आपका हो ही गया, साथ में आपका बीएड होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, तब जाके जो है आप जो है मैथ के टीचर बन पाएंगे, तब जो है आप गणित के टीचर बन पाएंगे, यहाँ से आप आवेदन करते हैं तो गणित के बनेंगे। एसएसटी में अगर हम बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चार के शिक्षक बनेंगे आप लोग, है ना, अब ये चार के ही शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका पठित होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे बोला गया, तो इन चार में से कोई दो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, और जो है आपका सब्सिडी में जो पेपर है हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इसमें से, इसमें इसके अलावा यहाँ पे भी होता है लैंग्वेज का पेपर, है ना, तो लैंग्वेज के पेपर के लिए तो सिंपल आप लोगों का वो आपको पता ही है कॉम्बिनेशन कि हिंदी के है तो हिंदी के शिक्षक बनेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के बनेंगे, तो यहाँ भी चीजें हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आपका है हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या बांग्ला में तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं 9 to 10 के लिए भी। बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन मतलब होना ही चाहिए, एचटीटी पेपर वन आपका उस सब्जेक्ट से क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग 2019 में पास किए हैं और इस बार अच्छा एग्जाम नहीं गया उनका तो इस बार भी फॉर्म भरिएगा, और जो एचटीटी 2023 इस बार दिए हैं उनका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आए और आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाए। अब ये हमारा जो है 11 to 12 के लिए, यहाँ भी 18,000 वैकेंसी है इस बार बताई जा रही है, 18,880 पदों की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे टेक्निकल डिग्री से आते हैं जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस और आपका एमसीए और आपका पीजीडीसीए, ठीक है, तो ये सारे जो कोर्स है, कुछ डिप्लोमा के कोर्स है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इनका यहाँ पे जो है ना बीएड डिग्री नहीं मांगा जाता, ठीक है, इनके लिए अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप लोगों के नोटिफिकेशन में इस बार 2023 वाला पढ़िएगा, मैंने बताया भी आप लोगों को। एसटीटी पेपर 2 इनका क्लियर होना चाहिए, दूसरा चीज, लेकिन अन्य जो छात्र हैं जैसे कि जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं मैथ से तो उनका पीजी होना जरूरी है, साइंस अगर आपने फिजिक्स से किया है तो पीजी होना जरूरी है, साथ में बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है, जिस भी सब्जेक्ट का, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में भी जाते हैं तो उसमें आपका पीजी होना जरूरी है, आप लैंग्वेज में भी जाते हैं तो आपका पीजी होना जरूरी है, तो ये सारी चीजें आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर हमने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए 150 क्वेश्चन का आपका बीपीएससी अब एग्जाम लेगा, अगर यहां से आप लोग एसटीटी वगैरह पास करके इस फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा, जहां पे देखिए इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन अगले एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, तो निगेटिव मार्किंग से पहले आपको प्रिपेयर होना है, माइंड सेट करना है कि निगेटिव मार्किंग डाल दिया जाएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। आप लोगों ने अभी हाल ही में दिया है 150 नंबर का ये पूरा पेपर दिया है ना, 150 नंबर का पूरा पेपर दिया है जहां पे 80 नंबर जो है आपके अपने सब्जेक्ट से और 40 नंबर जो है आपके अपने सामान्य अध्ययन से सवाल पूछे हैं। अब यहाँ पे स्कोर कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहां से पढ़ना भैया, तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी का आपको बुक पढ़ना शुरू कर देना चाहिए या एससीईआरटी का जो है आपका बुक पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इस बार फिर आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखे गए, जितने भी प्रश्न देखे गए हैं उन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो आपके प्रश्न जितने भी आए हैं इन्हीं सभी पुस्तकों से मिलते जुलते हैं। बहुत सारे लोग मैराथन करा रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि उनका कहीं बेनिफिट, हाँ बेनिफिट हुआ होगा उनको इन 40 प्रश्नों में, तो वो भी गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है, क्योंकि जो भी शिक्षा दे रहा है वो गलत थोड़ी ना है, तो आप लोग सोच समझ के अपनी पढ़ाई यहां से करिए जो कि यहां से ज्यादा स्कोर आ सकते हैं, इसकी तैयारी जो है आप लोग अपने खुद से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट लगाइए, यहां से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है आपका ये वाला है ना, इस बहाली की 1,75,000 वाला, तो इसमें जो है आपका जो पेपर है उस पेपर को देखिए, देखिए टॉपिक्स, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से करंट पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से आपका जो है जीके पूछा गया है, जीएस पूछा गया है, या सीडीपी का क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये सब देखिए उठा के और वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये एग्जाम का पैटर्न का एक पहला स्टेप है, बाकी और भी वीडियोस में लेकर आऊंगा आप लोग के लिए ताकि आपकी मदद हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।